गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग सब? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। ये देखिए, ये सुबह का चाय बन रहा है। सुबह का 6 बज रहा। आज मैं मॉर्निंग वॉक पर नहीं जा सकी, आज मुझे कहीं जाना है। इसी चलते जल्दी जल्दी में मेरा आज सारा काम हो रहा है। ये देखिए, बाहर का कुछ इस तरह से दृश्य है सुबह के 6 बजे। चलिए आपको बाहर दिखाते हैं। झाड़ू मैंने लगा लिया है अंदर। मैं गेट खोल लेती हूँ। ये देखिए, बाहर का कुछ इस तरह से सुबह सुबह का नजारा है। ये देखिए, इधर मैंने झाड़ू रख दिया है। बस दोनों बालकनी में झाड़ू लगाना है। अंदर तो मैं लगा चुकी हूँ। चलिए अंदर चलते हैं। ये देखिए, बच्चे लोग सोए हुए हैं। अब थोड़ी ही देर में ये लोग को भी मैं उठाऊंगी। चाय भी इधर बन चुका है। चलिए चाय पी लेते हैं, उसके बाद ब्रेकफास्ट वगैरह बनाएंगे। आज मैं ब्रेकफास्ट में पूरी और भुंजिया बना रही हूँ। ये जल्दी बन जाता है। आलू और गोभी को मैंने कट करके रख लिया है। इधर मेरी पूरियाँ सारी तल चुकी है, बस अब भुंजिया को भूंजना है। अब इसे मैं धीमा आंच पर इसे धीरे धीरे भूंजूंगी, जब तक मैं इधर रेडी भी हो जाती हूँ। आज मैं कैसी दिख रही हूँ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सब? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। हम लोग ब्रेकफास्ट वगैरह कर चुके हैं, बच्चे लोग भी ब्रेकफास्ट कर लिया है। अब मैं थोड़ा सा बाहर जा रही हूँ, स्कूल का काम है, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। ये देखिए, यहाँ पर मेरे हस्बैंड बाइक में पेट्रोल भरवा रहे हैं। चलिए अब चलते हैं। आज हम लोग को निकलने में घर से लेट हो चुका था। हम लोग को निकलना था 8 बजे, पर 9:15 में शायद मैं निकली हूँ घर से। और ऑफिस का समय रहता है सुबह सुबह, तो ट्रैफिक तो मिलना ही मिलना है। यहाँ पर हम लोग कुछ बातें कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि तुम्हारे चलते ही लेट हो गया है। देखिए यहाँ पर कितना ट्रैफिक है, मैं आपको दिखाती हूँ। आज धूप भी बहुत है, आज तो लगता है सर में दर्द हो के रहेगा। ये देखिए, हम लोग स्कूल आ चुके हैं। स्कूल का जो काम था वो खत्म हो चुका है। यहाँ हम लोग फीस भरने आए थे। ये देखिए, स्कूल कुछ इस तरह से दिखता है। इसका ग्राउंड देखिए कितना बड़ा सा है। इधर से ये मेन गेट है बाहर जाने का। ये देखिए, इधर क्रिसमस ट्री कितना सुंदर दिख रहा है, और ये फूल तो सबसे ज्यादा सुंदर दिख रहा है। चलिए चलते हैं। ये देखिए, हम लोग मॉल आ चुके हैं। यहाँ से बच्चे लोग के कुछ कपड़े लेने थे। होली भी आ रहा है, और मेरे छोटे वाले बेटे का जन्मदिन भी आ रहा है। चलिए ऊपर चलते हैं। यहाँ पर देखिए, ये पानी वाला बोतल है, 6 पीस है इसमें। ये शायद 130 रुपीज में मिल रहा है। चलिए अब सेकंड फ्लोर पर चलते हैं, आप लोग भी एंजॉय कीजिए।
ये देखिए यहाँ पर मैं अपने छोटे बेटे के लिए ये देख रही थी, शायद ये छोटा हो जाएगा। तो मैं बोली कि चलिए अब वो लोग को लेके ही आएंगे, तब कपड़े खरीदेंगे, साइज में फिर कुछ फिटिंग में दिक्कत ना हो जाए और एक्सचेंज करने का एक टेंशन फिर हो जाता है। ये देखिए ये फुट मैट्स हैं, ये बस 150 रुपीज में ही मिल रहा है। इसका मैं आप लोगों का टैग दिखा देती हूँ, ये देखिए। चलिए अब थर्ड फ्लोर पर चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या मिलता है। इस पर लेडीज लोग का कपड़े मिल रहे हैं। चलिए यहाँ पर कुछ कुछ मैं भी पसंद कर लेती हूँ। ये देखिए यहाँ पर सुंदर सुंदर कुर्ती भी है, ये मुझे अच्छा लगा, पर मैं इसे अब अगली बार ले जाऊंगी। अभी जो लेना है बस उस पर कॉन्सेंट करते हैं। ये देखिए ये लेगीज है, ये बस 50 रुपीज में ही मिल रहा है। यहाँ पर हम लोग कुछ किचन का सामान देख रहे थे। ये देखिए यहाँ पर छोटी छोटी हैंकीज भी हैं, ये बच्चे लोग छोटे बच्चे का कपड़ा है, ये 130 रुपीज में ही मिल रहा था ओनली। चलिए अब नीचे चलते हैं। चलिए अब घर चलते हैं, शॉपिंग भी मेरा हो चुका है। अब बच्चे लोग के लिए कुछ खाने के लिए ले लेती हूँ समोसा, शाम के 5 बज चुके हैं। चलिए अब चलते हैं घर पर। देखिए अब हम लोग घर पहुंच चुके हैं। आई होप मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए, तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड्स। चलिए मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, बाय।